अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो हमारे भाइयों के लिए बहुत ही अहम और मालूमाती वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अपने दूध वाले जानवरों को कौन सी तीन ऐसी खुराकें हैं जो नहीं खिलानी चाहिए। अगर वो तीन खुराकें आपने जानवरों को खिलाएंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, आपके जानवर दूध कम कर सकते हैं, आपके जानवर का मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। तो लिहाजा ये वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखनी है ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जहां हम जानवरों से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए तरह तरह की खुराकें अपने जानवरों को देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले की जो फार्मिंग होती थी और अब की जो फार्मिंग है वो काफ़ी तब्दील हो चुकी है। पहले की जो फार्मिंग हुआ करती थी, जब हमारे अबाऊ अजदाद माल मवेशी रखा करते थे, पहले तो इतने दूध वाले जानवर भी नहीं हुआ करते थे, देसी जानवर हुआ करते थे जो कि चराई करा के उनको, ठीक है, और घास वगैरह खिला के या सब्ज चारा अपना काश्त करके वो खिला के, तूड़ी घर की हुआ करती थी वो खिला के, तो उससे वो जो भी 2-2.5 किलो दूध एक टाइम का वो गाय देती थी देसी, उससे निज़ाम वो चलाते थे। आगे उसका बच्ची बच्चा ले लिया, वो फिर 2-2.5 साल बाद तैयार करके उसको सेल कर दिया, तो इस तरह से निज़ाम चलता था। तो आजकल की जो डेयरी फार्मिंग है, काम है, जो ये नहायत ही जदीद काम हो गया है, जब से ये क्रॉस की जो नस्लें जो बाहर से इंपोर्ट होके हमारे मुल्क में आई हैं, तो ये जो फिर इंसेमिनेट करवा के नस्ल ली गई है, ठीक है, तो फिर इनकी खुराकों पे बहुत तवज्जो दी गई है, क्योंकि जो ज़्यादा दूध वाले जानवर होते हैं उनकी फिर जो खुराक का खास ख्याल रखना पड़ता है। फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें जानवरों को, फिर नई नई चीज़ें भी जानवरों को इस्तेमाल करवाई गई हैं, और काफ़ी चीज़ों के बहुत सारे फायदे भी होते हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नुकसानदेह भी होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो तीन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले चावल की तूड़ी या चावल की जो पराली होती है, ये आपने अपने जानवर को नहीं खिलानी, ठीक है, ये इसके खिलाने से आपके जानवर को नुकसान होगा, आपका जानवर दूध जो है ना खुश कर देगा अगर लगातार आप अपने जानवर को ये चीज़ खिलाएंगे तो, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है फंगस लगी हुई खुराक। तो फंगस लगी हुई खुराक आपने अपने जानवर को बिल्कुल भी नहीं खिलानी, ख्वाह वो वंडा हो, ख्वाह वो खल हो, ख्वाह वो रोटियां हो, ख्वाह वो जो है साइलेज हो या मकई हो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो फंगस जिसको लगा हुआ है वो आपने अपने जानवर को नहीं खिलानी। तो अक्सर दोस्त करते ही हैं कि कहते हैं कि जी जानवर तो खा जाएंगे, तो लिहाजा जानवर को खाने देते हैं, ऊपर से मसाला वगैरह दे देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, फंगस लगी हुई खुराक आपने अपने जानवर को बिल्कुल भी नहीं खिलानी। ज़्यादातर जो चीज़ें खुश्क होती हैं, जैसा कि अब साइलेज हो गया, उसको अगर आप नमी में रखेंगे तो उसमें फंगस जो है ना बहुत जल्दी लग जाता है, और उसके बाद रोटियां जो हो गई हैं खुश्क रोटियां, इनको आप नमी वाली जगह पे रखेंगे तो इनको भी फंगस लग जाती है, तो ये भी जानवर को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह खल होगी, खल भी अगर नमी वाली जगह पे आप रखेंगे तो उसको भी फंगस बड़ी जल्दी लगती है, और खल ऐसी चीज़ है इस पे फंगस लगी हुई हो तो इतनी जल्दी बंदे को नज़र नहीं आती या समझ नहीं लगती, फिर वो स्मेल से पता लगता है कि ये खल जो है ख़राब हो चुकी है। तो इस तरह की खुराक आपने अपने जानवर को बिल्कुल भी नहीं खिलानी। अगर आपने अपने जानवर को फंगस लगी हुई खुराक खिलाई तो एक तो आपका जानवर दूध कम कर जाएगा, और दूध कम करने के साथ साथ उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उसका मैदा भी बंद हो सकता है, ठीक है, तो समझें कि आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। लिहाजा आपने फंगस लगी हुई चीज़ अपने जानवर को बिल्कुल भी नहीं खिलानी। कोशिश करें कि ताज़ा और फ्रेश और सही जो चीज़ है वो आप अपने जानवर को खिलाएं। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है काला ज़ीरा। तो दोस्तों, काला ज़ीरा वैसे तो ये कुदरती डिवर्मर है,
अगर आप इसको महीने में 2 से 3 दिन लगातार अपने जानवर को खिलाएं तो ये आपके जानवर के जो पेट के कीड़े हैं उसका खात्मा भी करता है। लेकिन आप इसको रोज का मामूल बना लें अपनी खुराक में, इसको ज्यादा करेंगे जब इसको, तो ये फिर आपके जानवर को नुकसान पहुंचाएगा। इससे आपका जानवर दूध जो है वो कम कर जाता है और दूध खुश्क भी हो जाएगा और जानवर भी फिर कमजोर हो जाता है। आप जब डिवर्मिंग बार बार करते हैं, जो दवाइयां मिलती हैं वेटनरी स्टोर से, तो ये डिवर्मिंग भी अगर बार बार की जाए तो ये भी जानवर के लिए मुनासिब नहीं होती। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि 3 महीने के बाद जो है जानवर की डिवर्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जानवर की खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि वो जानवर आपका कमजोर ना हो। तो अक्सर दोस्त खुराक पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते और डिवर्मिंग करते रहते हैं, तो खुराक पे खास ख्याल जानवर का रखना चाहिए।